नमस्कार ब्यूटीफुल पीपल, सो वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में क्या रहने वाला है? आज के सेशन में रहने वाला है खासम खास जोरदार तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के आपके लिए बेहतरीन जबरदस्त सवाल। आप सभी का सुस्वागतम है एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की पाठशाला में, यानी कि खजूरिया पाठशाला में, जो कि अब प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। आप प्ले स्टोर से खजूरिया पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं। आज मोटर व्हीकल एक्ट के 100 सवाल रहने वाले। मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, इससे साथ साथ बच्चे भी साथ में जुड़ते जाएंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी खजूरिया पाठशाला में। तो चलिए खजूरिया पाठशाला के इंडिया की सबसे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस और इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे पास मिलती है, इंडिया की भाई, इंडिया की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। हमारे पास 462 एग्जाम कवर होंगे, 4000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास हैं, 14000 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं 9 भाषाओं में। जेडी मर्जी भाषा रे अंदर तो सब पेपर देना होगा ना, तो दे ही सका है तो सब पेपर, ठीक है। 24/7 लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग, पर्सनलाइज परफॉर्मेंस, हर एक स्टेट के एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम कवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि खजूरिया पाठशाला में आपके यहाँ पर एग्जाम्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे? एग्जाम बंडल, इंजीनियरिंग के अगर एग्जाम देते हो जेई मेंस एडवांस के, सिविल सर्विसेज का बंडल है, मैनेजमेंट का बंडल है, कैट मैट का पेपर देते हो, यूपीएससी का देते हो, गेट का देते हो, बीएसएनएल का देते हो, कोई भी देते हो भाई, तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जो चाहे दिल करता है वो करो। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, कांस्टेबल, जीडी स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस, पीओ, बैंक का कोई भी एग्जाम, रेलवे का, एचपी पुलिस, एचपी, जेके, पीएससी, जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा पुलिस, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ एलआईसी के एग्जाम से लेकर के, भंडारा भाई रखा हुआ 14000 से ज्यादा आपके लिए, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपकी खजूरिया पाठशाला प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एवी ऊना से आपकी सुबह से क्लास चल पड़ेगी, डोंट वरी, ठीक है, सुबह आपकी क्लास है, ठीक है, 5 बजे। तो चलिए मोटर व्हीकल एक्ट की शुरुआत करते हैं। आई वाज रेडी फॉर द सेशन, एक बार यस बोल दी द कमेंट सेक्शन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। हिट और रन मोटर दुर्घटना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस तहत, धारा के तहत परिभाषित कर दिया गया है? 160, 161, 164 या 159? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि धारा 161 ए बी इसका सही उत्तर होगा। इसके तहत हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट को ये डिफाइन कर दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रिक्शा। कहता है कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है? धारा 29 के तहत, धारा 30 के तहत, धारा 31 के तहत या धारा 32 के तहत? इसका आंसर आप करेंगे नीचे द कमेंट सेक्शन, फटाफट के साथ। आप सभी का स्वागत है, फटाफट से या शाबाश समय आपका समाप्त। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, धारा 30 के तहत कंडक्टर का लाइसेंस जो ग्रांट आपको किया जाता है, धारा 30 के तहत। अरविंद सही उत्तर करते हुए। कहता है किस धारा के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? No objection certificate is provided under which section of the Motor Vehicle Act 1988? कहता है section 50, section 49, section 39 या section 48? तो जल्दी से बताएंगे, समय आपका समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया रूप से अगर मैं बात करता हूँ, मनीष भारद्वाज, पंकज श्याम सुंदर, नीतू जरिया, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, सेक्शन 48 विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 48 के तहत जो है वो आप लोगों का इस धारा के अंदर जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। कहता है हु कैनॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन अंडर द सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दायर नहीं कर सकता, घायल व्यक्ति नहीं कर सकता, संपत्ति का स्वामी नहीं कर सकता, मृतकों का कानूनी जो प्रतिनिधि होता है वो नहीं कर सकता, या एक जनहितैषी व्यक्ति, तो इसका सही उत्तर जो मायने रखता है वो होगा जनहितैषी व्यक्ति, यानी कि जो पब्लिक से उठकर के बंदा आएगा वो इसका जो है वो सेटलमेंट नहीं ले सकता। तो आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम कमलेश जी। सेशन को देखिए, लाइक करिए, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही बच्चे जो हैं वो सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए, कहता है क्या मोटर वाहन अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? यस दैट विल अप्लाई। तो यहां पर क्या होगा? जी हाँ, होता है। कहता है 50 सीसी ड्राइविंग के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अप टू 16 इयर्स, मोर देन 16 इयर्स, मोर देन सॉरी 18 इयर्स या मोर देन 21 इयर्स। कहता है 50 सीसी की बाइक चलाने के लिए आपको कितने साल की जो ऊपर जो है वो होना पड़ेगा? यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द परफेक्ट आंसर, यानी कि सी। आपको सी तरीके से आप लोगों के लिए क्या होना पड़ेगा, ये मिनिमम एज होगी इसकी कि 16 साल से ऊपर तो एटलीस्ट आप हो, तभी आप लोगों को जो 50 सीसी की बाइक चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए। कहता है अस्थाई पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। देखिए, अस्थाई रजिस्ट्रेशन जो होता है, आज ही सुबह मैंने बच्चों को पढ़ाया था, अस्थाई रजिस्ट्रेशन जो होता है ये बेसिकली आपका सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 47, इसमें क्या किया जाता है कि 30 दिन के लिए आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके बाद आपको नंबर लगवाना पड़ेगा, यानी कि तब तक तो आपका हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता ऑप्शन ए 43 सेक्शन विल बी द राइट आंसर, सेक्शन 43 इसका सही उत्तर होगा। कहता ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किस अथॉरिटी के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई? देखिए, स्टेट रजिस्ट्रार जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा ही नियमित रूप से, नियमित ढंग से उसको ऑपरेट किया जाता है, उसके तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? स्टेट। ठीक है, कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्राइविंग एन अनइंश्योर्ड। कहता है बिना बीमा के, देखो अगर आप बिना बीमा के वाहन चलाते हो तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ बात हो सकती है। अगर आप बिना बीमा के वाहन चलाते हो भाई, कई लोग होते हैं हमारा लाइसेंस खत्म हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा भाई। अगर मैं कहता हूं, कहता है बिना बीमा के वाहन चलाने के क्या परिणाम होते हैं? बिना बीमा के वाहन अगर चलाते हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कहता है 6 महीने तक इसको सजा हो सकती है। कहता है 3 महीने तक की कैद या 1,000 रुपए का जुर्माना। कहता है केवल 3,000 रुपए का जुर्माना या अधिनियम के अनुसार कारावास का प्रावधान है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है आपके सामने, अगर आप ऑप्शन क्या होते हैं, यहां पर कहता है 3 महीने तक की कैद होगी या 1,000 रुपए जुर्माना होगा या दोनों आपके हो सकते हैं। एवी ऊना जी, हाँ, उसमें एक क्लास का थोड़ा इशू है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है उसकी, वो इशू सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, सुबह चल पड़ेगी आपकी सारी क्लास, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, समय आपका समाप्त, आगे बढ़ते हैं। कहता है कैन अ पर्सन ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू अनदर पर्सन। क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकता, मजाक की बात थोड़ी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ही कैन नॉट ट्रांसफर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन एंड सर्कमस्टांसेस। कहता निम्नलिखित में से कौन सी समिति मोटर वाहन अधिनियम में सुधार से संबंधित है? ठीक है, माशेलकर समिति, नरेश चंद्र कमेटी, द सुंदर कमेटी या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ट्रैफिक सुधारकों के नियमों के लिए, मोटर व्हीकल के चीजों के लिए, ये जो है वो ऑप्शन सी, द सुंदर कमेटी जो है ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है और यही इसमें सब कुछ करता धरता इसी की होती है। ऑप्शन क्या होगा? एस सुंदर कमेटी इसका राइट आंसर है। कहता मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? सेक्शन 230, सेक्शन 231, सेक्शन 225 या सेक्शन 232। तो ये करती है सेक्शन 230, यानी कि सेक्शन 230 में इसका भाग ये ओनर शब्द को डिफाइन करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। कहता है परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, सेक्शन 56 में किया जाता है, सेक्शन 57, सेक्शन 58 या 62 में? फिटनेस प्रमाण पत्र जब जारी किया जाता है तो किसमें किया? देखिए, सेशन को आप लाइक कर दें यार, शाबाश, फटाफट से शाबाश। देखिए 75 बच्चे लाइव हैं पर लाइक आपके 30 हैं, ये गलत बात है दोस्तों। आप भी अपना अपना लाइक कर दीजिए, कोई कहीं नहीं भाग के जा रहा, डोंट वरी, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सलेंट साक्षु, साहिल, रिकी, मंटी, राकेश कुमार, समय समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, समय समाप्त।
ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज सेक्शन 56 विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 56 जो है, धारा 56 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरी एप्लीकेशन फॉर ए कंडक्टर्स लाइसेंस शैल बी अकम्पेन्ड बाय, कहता है प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। कहता है कंडक्टर लाइसेंस के लिए, हर किसी लाइसेंस के लिए क्या चीज कंडक्टर के लाइसेंस के साथ आप अटैच कराते हैं? कहता है मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए या इनमें से कोई भी नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे सर जी दोनों होनी चाहिए। नहीं, इसमें सिर्फ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिर्फ एक ही। और फिटनेस, फिटनेस किस चीज की दोगे कंडक्टर के लाइसेंस में? फिटनेस किस चीज की दोगे? आपकी फिटनेस तो मेडिकल ही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र सामग्री किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है? फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द लाइसेंस टू ड्राइव इज टू प्रोवाइड अंडर व्हिच सेक्शन? सेक्शन 10, 15, 12, 15। 15 तो होती है रिन्यूअल के लिए, तो बाकी के बचे तीन, उसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन नंबर 10 का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कैन द कोर्ट कैंसिल द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ पर्सन, क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है? हाँ भाई कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो अगर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है, जहां अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग किया गया हो, अगर मोटर वाहन का उपयोग किया गया हो तो मोटर व्हीकल लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कहते केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66 या सेक्शन 68? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया हेम सिंह, हितेंद्र भंडारी, विजय ब्लॉग्स, बहुत बढ़िया पंकज कुमार, सभी लोग कमेंट्स करेंगे ताबड़तोड़ तरीके के साथ। बहुत बढ़िया समय समाप्त, इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 64 मिल गया, 64 सेक्शन के अंदर। कहते नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन, पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत जो है वो की गई है, यानी कि पंजीकरण किस चीज का होगा? पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत करी गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेक्शन 39 विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 39 के अंतर्गत जो है वो पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो करी गई है। ऑप्शन बी विल बी द परफेक्ट आंसर। कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन, स्वामित्व का हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52 या सेक्शन 56? जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ, इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 50 के अंतर्गत जो है वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहता ड्राइविंग लाइसेंस पर लर्नर लाइसेंस का कोई भी धारक किसी अन्य वस्तु का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता, पुलिस, व्यक्ति, दोनों या इनमें से कोई भी? नो होल्डर ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस शैल परमिट टू बी यूज इट बाय एनी अदर। कौन नहीं देता भाई? कोई नहीं देता। मैं आपको बताता हूं ऑप्शन क्या होगा। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपका लाइसेंस कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई और इस्तेमाल करे ऐसा नहीं हो सकता। कहता राजनयिक अधिकारी आदियों के मोटर वाहनों के पंजीकरण हेतु किस विशेष धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन? सेक्शन 45, सेक्शन 43, सेक्शन 44 या सेक्शन 42? सर मेरे आज मॉक टेस्ट में 53 नंबर आए हैं, आप कुछ बताओ, कुछ बन सकता है? देखो अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो जरूर बन सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप सवाल को कैसे देखते हो, नंबर मैटर नहीं करते, आप क्वेश्चन को कैसे जज करते हो वो आपके लिए मायने रखता है। तो अगर आपने कोई भी हरकत करी होगी कि हाँ भाई सवाल क्यों नहीं बदलेंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपके सामने होंगी, तो आपने चिंता नहीं करनी है, सब कुछ ऑल द सेट होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर आपके 50 भी नंबर आते हैं, 40 भी आते हैं, तो भी डरने कोई बात नहीं है। डेली प्रैक्टिस करिए, अपनी अप्रोच की तरफ ध्यान दीजिए कि मैं लैक कहाँ कर रहा हूँ, आप ज़रूर पेपर पास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट फ्री के लगाना चाहते हैं तो खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और HRTC कंडक्टर के मॉक फ्री में लगाना शुरू करिए। चलिए
समय समाप्त हुआ, ऑप्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत बढ़िया विजय ब्लॉक्स, यस। कहता है बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? 15, 16, 17 या 18, बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन क्या होगा? कहते हैं रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? देखिए जो 15 सेक्शन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका नवीकरण होता है, ठीक है, नवीकरण होता है किसका? ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण जो है वो कर दिया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर? बहुत बढ़िया मनोज, मनोज कौंडल, साक्ष्य ठाकुर, इसका राइट आंसर रिकी राजपूत, बहुत बड़े तरीके से आ गया। कहता है देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन बस कमिंग फ्रॉम द रोड। कहता है सड़क पर बस आ रही है और बगल से आ रही मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हो जाती है, इसमें साइकिल चालक जो है वो घायल हो जाता है। ना तो बस चालक ने बगल की सड़क से यातायात की ओर देखा, ना ही मोटरसाइकिल चालक ने सड़क से कोई आते हुए देखा, तो उत्तरदायी कौन होगा? बस का ड्राइवर उत्तरदायी है, मोटरसाइकिल चालक उत्तरदायी है, कोई भी उत्तरदायी नहीं है, या दोनों उत्तरदायी? यह आपकी अपनी सोच से, क्षमता से आपने आंसर देना है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपकी गलती भी है, एक बात है, अगर आपकी गलती भी है रोड पे, तो आपको क्या करना, अपना दबदबा बनाने के लिए उसको 2-3 थप्पड़ जड़ देना, क्योंकि अगर आपने रोड में अगर आपकी गलती है और अगर आपने मान ली, तो आपकी गलती मानने से आपको बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा लोग सियाने होते हैं, अपनी गलती होने के बावजूद भी अगले बंदे को थप्पड़ सड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अगर उसने बंदे ने हावी हो गया उस पर, तो वो पैसे लेगा। तो आप सोचें, आप अच्छे इंसान हैं कि आप खौंकड़ इंसान हैं, ठीक है, थीके? तो ये कहानी जो है वो रहती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 के तहत तीसरे पक्ष की घातक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे के अनुसार सूची मुआवजे की राशि उन खर्चों पर विचार करते हुए निकाली जाएगी जो एक पीड़ित खुद को बनाए रखने के लिए किया होगा। अगर वह जीवित होता तो किसके द्वारा कितना कम किया जाए? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? अयोग्यता आदेश का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 या सेक्शन 28? तो समय आपका समाप्त, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ए, सेक्शन 25 विल बी द राइट आंसर। कहता है सड़क परिवहन को नियंत्रित करते कि राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान की गई है? कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 69 में, 68 में, 67 में या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया विशाल कुमार, समय समाप्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 67 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहता है केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। बहुत बड़े साक्षी ठाकुर, राकेश कुमार, समय समाप्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। कहता है इस प्राधिकरण के मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन का अधिकार किसको है? कहता है दिस अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर द सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उपयुक्त सरकार को है, सड़क परिवहन प्राधिकरण को है, राज्य सरकार को है या केंद्र सरकार को है? देखिए समय समाप्त होता हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार को इसमें है कि क्लेम का सेटलमेंट कैसे किया जाए, किसके हिसाब से किया जाए, तो ऐसे सब प्रावधान जो है वो राज्य सरकार करती है। कहता है अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 27, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40। बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। समय आपका समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 35 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से मोटर वाहन नहीं चलाएगा और ना ही चलाने देगा, ठीक है। कितनी गति तक? सीमित गति तक, एक्सीडिंग यानी उससे ज्यादा, कोई भी नहीं, या इनमें से ए और बी दोनों? तो समय समाप्त, ऑप्शन बी
यानी कि अगर आप गति से ज्यादा चलाएंगे तो भाई कौन चलाने देगा आपको, ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। कहता है अंडर सेक्शन 173 के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले पर व्यक्ति अपील कर सकता है कहां पर, देखिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। कहता मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अनुसार दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि क्या निर्धारित है, 60 दिन की, 90 दिन की, 120 दिन की या 30 दिन की। बहुत बढ़िया, तो समय आपका समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 90 दिन जो है उसका सही उत्तर होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम धारा 1988 की धारा 165 की उपधारा एक में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा, जिस व्यक्ति को साधारण चोट लगी है, संपत्ति का जो स्वामी होगा, पीड़ित 6 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है उसको कानूनी प्रतिनिधि, या मृतक का एक नामांकित व्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन मृतक का एक नामांकित व्यक्ति जो होगा वो नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को परिवहन चलाने के लिए, परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या इनमें से कोई भी नहीं। तो समय आपका समाप्त होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 1 साल के लिए आपको 1 लाइसेंस रखना है, फिर उसके बाद आपको हैवी लाइसेंस मिलेगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 क्या प्रदान करती है, वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस का होना, ठीक है, वाहन में बीमा प्रमाण पत्र और PUC सर्टिफिकेट पर का जो आपका व्हीकल में होना चाहिए, नशे में गाड़ी चलाने हेतु पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, या सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो समय समाप्त, इस गाइडेंस का ऑप्शन डी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन को राज्य सरकार की चलाने की शक्ति जो है इसका आंसर होगा। कहता है स्टेज कैरियेज के कंडक्टर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कब चिन्हित है, 28 में, 29 में, 39 में कि 42 में, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। हिल स्टेट हिमाचल जी, मिल जाएगा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कैमरा इस तरफ तो नहीं है ज्यादा, आज मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही तो नहीं है, हो गया इधर, नहीं तो नहीं, करते हैं प्रबंध, कोई बात नहीं, हो गया था, तुम कौन सा बोलते हो भाई। देखो हिमाचल के करंट अफेयर तो आने से रहे, इंडिया के करंट अफेयर्स ही आएंगे, 2-3 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे, ऐसा ना हो कि भाई सारा करंट अफेयर ही आ गया, फिर क्या करोगे। कुछ कह नहीं सकते यार, ऐसे मान के चलते कि 2 नंबर के करंट अफेयर आएंगे, उसको छोड़ दो, बाकी वालों को ध्यान दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। 29 सेक्शन के अनुसार स्टेज कैरियेज होती है, जो लोकल बसें होती है ना आपकी, उसको स्टेज कैरियेज बोला जाता है, इसका कंडक्टर का लाइसेंस आर्टिकल 29 के तहत मिलता है। कहता है ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे फॉर्म में किया जाएगा, ऐसे दस्तावेजों का किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं किसी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा, या ना तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे फॉर्म्स जो किए जाते हैं, ठीक है। कहता है मोटर वाहन अधिनियम निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्देश दिया है कि पारंपरिक पद अर्थात राज्य की हानि, कंसोर्टियम की हानि और फेडरल व्यय, ठीक है, रुपए होना चाहिए, यानी कि 15,000 रुपए, 40,000 रुपए दावा मामले में मुआवजे के आंकड़े हैं कितने हैं, ये उसके लिए 15,000 होने चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है, को वी प्रणय सेठी, बराबर। कहता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन में दावेदार को लगी चोट के कारण मुआवजे के लिए मात्रा का निर्धारित किस आधार पर किया जा सकता है। कहता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओनली, संरचित सूत्र का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता,
परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी शोन इन द मेडिकल सर्टिफिकेट विदाउट रेफरेंस या बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज अ गाइडलाइंस बिसाइड्स। ठीक है, तो समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ओनली 166 के लिए किया जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कहता है भारी यात्री मोटर वाहन, हैवी पैसेंजर जो होते हैं ड्राइव, यानी कि भारे भारे नहीं मेरी तरह, जो हैवी जो पैसेंजर्स होते हैं इनके पास क्या होना चाहिए? हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हल्के वाहन चलाने के लिए कम से कम 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, मध्यम यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या बी और सी दोनों? हैवी लाइसेंस जब मिलता है तो क्या होना चाहिए कोटा? होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों। 2 साल का लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का, 1 साल का मध्यम वाहन का मोटर व्हीकल का। चलिए, कहता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज, निलंबन का प्रावधान किसमें है? सेक्शन 53, 54, 55 या 56? इसका समय समाप्त हुआ। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन ए 53 विल बी द राइट आंसर। कहता है यदि अपील में विवादित राशि है तो दावा न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो कहते हैं 10,000 रुपए से कम अगर हो। ठीक है, कहता भारी माल वाहन का अर्थ है कोई भी माल ढोने वाला वाहन जिसका कुल वजन वाहन से अधिक हो, 10,000 किलो, 12,000 किलो, 15,000 किलो या 18,000 किलो। समय आपका समाप्त हो। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, 12,000 किलो जो है। ठीक है, तो इसका ग्रॉस वेट होना चाहिए 12,000 किलो, तो ही ये वो वाला वाहन कहलाएगा। कहता मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रावधान है? सेक्शन 3 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें कौन सा प्रावधान दिया गया है? कहता है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 3 जो है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है? रोड साइड सिग्नल्स भी पढ़ाया करो सर। ठीक है जी पंकज कुमार जी, पढ़ा देंगे जी। देखिए हमारी वेबसाइट पर आरटीओ जो होता है ना, आरटीओ सर्च करना, आरटीओ के एग्जाम्स भी डाले हैं मैंने। www.vishalkhajuria.com पे जाना, लाइव क्लासेस पे क्लिक करना, टेस्ट सीरीज भी सामने खुल जाएगी। फ्री पेपर पढ़े हुए हैं, लगाओ ना यार, पढ़े हुए पेपर, उसमें साइंस सोइन सब दिए हुए हैं। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता इसका राइट आंसर है। कहता है सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक के धारा किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? बार ऑन ज्यूरिस्डिक्शन ऑन सिविल कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 94, सेक्शन 75, सेक्शन 76 या सेक्शन 65? तो समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, सेक्शन 94 विल बी द राइट आंसर। कहते ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर के रखरखाव किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? 27, 26, 28 या 29? फटाफट से बताएंगे, 26 इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसका आंसर ऑप्शन बी, 26 इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो चुका है। कहते मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किया गया लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पूरे समय प्रभावशाली रहेगा, राज्य में रहेगा, इंडिया यानी कि पूरे ऑल इंडिया में रहेगा, दोनों में रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए सबसे पहली बात है, ऑप्शन क्या होगा? पूरे के पूरे इंडिया में रहेगा, लर्नर लाइसेंस तो है। ठीक है, तो लर्नर लाइसेंस इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। कहता है मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास, लाइसेंस अथॉरिटी के पास, केंद्र सरकार के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य पर छोड़ सकती है कि आप इतनी जो है वो आयु सीमा इसकी रख लो। एवी उना जी, हाँ कल से शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा? केंद्र सरकार के पास सारी की सारी जिम्मेदारी है। कहते ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 9, 10, 11, 12। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? बहुत बढ़िया तरीके से पंकज कुमार, रोहिन ठाकुर, हेम सिंह, शालू राणा, साक्षु ठाकुर,
ठीक है, श्याम सुंदर मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियों ने भी फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है। ये इंस्पिरेशन पता किससे मिलती है? वो सोलन की जो लड़की ड्राइवर है ना उससे मिलती है। ये लड़कियाँ बहादुर हैं, ठीक है, यानी कि एक महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है HRTC। इस बार सिलेक्शन लड़कियाँ भी लेने वाली हैं, यानी कि जैसे वो सुमन ठाकुर हैं, आई थिंक दैट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ड्राइवर हैं, उनके साथ ही आपकी पोस्टिंग हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो महिलाओं को बहुत ही तगड़ा, इससे क्या होता है, देखिए कोई भी काम, कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो ये काम है तो करना पड़ेगा। महिलाएं अगर इसमें जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं भाई कंडक्टर नहीं बन सकती। क्यों भाई, कहीं पर लिखा है क्या? बन सकती है सीमा ठाकुर। चलिए ऑप्शन ए सेक्शन 9 विल बी द राइट आंसर। हाँ हमारे पेड बैच में हाँ तीन है, यस यस बिल्कुल, तीन से ज्यादा हैं, और कुछ लड़कों का भी नाम रख के आती है, उनको शर्म आती है, ठीक है। जब इनकी नौकरी लगेगी तब नहीं आएगी इनको शर्म। कहता है ऑल्टरेशन इन मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। मोटर वाहन में परिवर्तन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53 या सेक्शन 54। ऑल्टरेशन यानी कि आप किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो गाड़ी में कर सकते हैं, उसका जो है वो ऑप्शन 52 में जो है वो दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मोटर वाहन अधिनियम मोटर दुर्घटना के लिए याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाती है? मोटर व्हीकल एक्ट, वेयर अ पिटीशन फॉर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इज प्रेजेंटेड, जहां दावेदार रहता है व्यवसाय करता है, जहां अनावेदक रहता है, जहां हादसा हुआ है, या ये सभी जगहें। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूं ऑप्शन क्या होगा, डी सभी जगहें इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है 1988 के तहत संरचित फॉर्मूला आधार पर मुआवजे के भुगतान पर विशेष प्रावधान इसमें शामिल है। 140, 63, 63A या सेक्शन 166। ठीक है राहुल गौर जी, हिंदी में ही होती है यार, कौन सी क्लास होगी? देखो सभी सभी इंग्लिश की क्लास तो इंग्लिश में ही होगी, बाकी सारी तो बायलिंगुअल ही होती हैं, है ना। मैं तो अपनी क्लासेस में तो मैथ भी तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। हाँ जीके का बोला होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। कहता है यदि आवेदक के पास न्यूनतम राशि नहीं है तो लाइसेंस प्राधिकारी कंडक्टर का लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकता है, योग्यता के अनुसार, फिटनेस के अनुसार, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। कहता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे रिफ्यूज टू इशू ए कंडक्टर लाइसेंस इफ द एप्लीकेंट डज नॉट पोजेस द मिनिमम डैश क्वालिफिकेशन। अगर कहता है आपने कंडक्टर के लाइसेंस के अप्लाई किया, आप ऐसी योग्यता ही नहीं रखते हैं, कौन सी ऐसी योग्यता होगी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, फिटनेस होगी, पहली दोनों होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अब शिक्षात्मक योग्यता ये केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित करी जाती है कि कंडक्टर क्या 8वीं पास तो हो, ठीक है, कंडक्टर 10वीं पास तो हो, कंडक्टर पढ़ा लिखा तो हो, कंडक्टर बिहेव कैसे करता है वो, क्योंकि उसने एक दिन में 1000 लोगों से उसने बातचीत करनी है। कंडक्टर होगा ना गुस्से वाला, ए वाला बैठ जाओ अपनी जगह पे, तुम लोगों ने देखना हमारा देवता आ जाएगा, नहीं तो तुम लोगों ने अगर हमारी बात नहीं सुनी देवता आ जाएगा। तो कंडक्टर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, तो भाई वो उस पर डिपेंड है क्यों। तो ये मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है कि योग्यता, भाई तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, दैट वोंट वर्क। मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार स्थायी विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम मुआवजे की राशि क्या है? 25,000, 50, 5 लाख या 1 लाख रुपए। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी 50,000 रुपए। कहता लाइसेंस प्राधिकारी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? Power of license authority to disqualify is provided in which section? 34, 37, 35, 38. तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा, ऑप्शन क्या होगा? ए 34। कहता मोटर व्हीकल एक्ट 1939 came into force in। मोटर वाहन अधिनियम 1939 जो है वो कब लागू हुआ?
जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया नागेश कुमार, ठीक है साक्षु ठाकुर, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, समय समाप्त। इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए 1939। कहते कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर, पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहता है लाइसेंस का नवीनीकरण किसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है? रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1234। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टरों का रखरखाव इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है? सेक्शन 63 के अंदर, 64 के अंदर, 65 के अंदर या 66 के अंदर? मोटर वाहनों का रखरखाव किसके सेक्शन के अंदर किया जाता है? आवाज कम आई करा यहाँ सारी, तो पहले बोलना हुआ बाबूआ, आधा सेशन मुकी गया। ठीक है कि नहीं? बाहर शादियों की आवाज आ रही है ना, शायद किसी की शादी आई है, पर ऐसा लग रहा है कि गोली चल रही है, क्योंकि यहाँ नज़दीक में बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो गोली भी चल सकती है, दो तरफों से आवाज़ आ रही है। इसका आंसर आप करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। 9 बजे पेड क्लास है, इसलिए मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी। जीके की क्लास में मिलते हैं निहारिका मैम के साथ। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कोर्स ज्वाइन करना है तो भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खजूरिया पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए, पहुंच जाइए समागम करने के लिए सुबह 5:10 पे। सुबह क्लास होती है 5 बजे, फिर 6:15 होगी, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद आपकी 2 बजे, फिर उसके बाद फिर से रात को 9 बजे, फिर रात को फिर से 10 बजे। तो अभी 9 बजे क्लास है, उसके बाद मेरी क्लास 10 बजे होगी, 11 बजे आपको छुट्टी होगी, फिर सो जाना, फिर 5 बजे फिर से उठ जाना। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।